वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई आज है गणेश चतुर्थी। तो भाई पहली बात तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और बाकी बहुत सारी जगह पर आज के टाइम पर भाई गणेश जी आते हैं। बट हाँ गाइस, जितना गणेश जी आते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा रखो, इवनली हम भी रख रहे हैं घर पर। बाकी गाइस मैंने आज कुर्ता डाला है, कुर्ता पजामा डाला है और नहाकर रेडी। आज स्कूल नहीं गया था, 10:30 बज चुके हैं और अभी फिलहाल हम भी गणेश जी रख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बस वही तैयारियां चल रही हैं। तो गाइस ये देखो, ये भाई यहाँ पर ये हमने कुछ पिंक क्लॉथ बिछा दिया है, फिर ये रेड कलर का कपड़ा, लोटा चावल ट्रोली सेब एप्पल और मोदक को लड्डू वड्डू लाने, और पीछे यहाँ पर डेकोरेशन लानी है। डेकोरेशन में जैसे बलून्स और वो चमकनी क्या लगती हैं झालर, वो लानी, क्योंकि इस प्लग को तो हाइड खैर नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं भाई, दिख रहा है तो क्या बुरा थोड़ी लग रहा है। तो बस भाई अभी फिलहाल पापा जी का भी कॉल आ गया कि तुम लोग दुकान पर आ जाओ, फिर दुकान से जाएंगे हम पीला कपड़ा लेकर सीधे गणेश जी लेने जाएंगे। तो भाई चलो अभी फिलहाल बिना किसी देरी के, भाई मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, और चलो फिर फटाफट चलते दुकान पर, दुकान से गणेश जी लाएंगे। और भाई एज यूजुअल शैम्पू करा है तो बाल अजीब से हो रहे हैं, गिरे गिरे से, वैसे ये इस तरफ गिर रहे हैं पता नहीं क्यों। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं मूर्ति लेने। चलो भाई चलते हैं मम्मी जी के साथ। अम्मा जी आ रहे हैं, गणेश जी लेकर आते हैं हम। मम्मी जी पीछे बैठी है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और बस अब थोड़ी बहुत देर में चलेंगे मूर्ति लेने। भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, लिटरली बता नहीं सकता इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। मम्मा आपको हो रही है? नहीं है ना, मज़े आएंगे भाई। तो अभी पापा जी और मम्मी जी तो बाइक लेकर चले गए, मैं और सलमानिया चल रहे हैं एक्टिवा से, है ना सलमानिया? चलें चलो। देखते हैं भाई पसंद करते हैं। तो गाइस पसंद कर रहे हैं, पसंद तो आ नहीं रहा, आप देख रहे हैं। छोटे साइज में चाहिए ना, ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए भाई। ये देखो 2000 years later। तो गाइस ये वाले फाइनल कर रहे हैं। हो गए फाइनल? हाँ चेक कर लो, भाई फाइनली रैप्ड हो चुके हैं। अखबार निकाल देते तो चलो भाई, मम्मी जी ने अपनी गोदी में ले लिए गणेश जी। अब ये कपड़ा कहाँ कब जाकर खुलेगा? घर पर ही जब स्थापना होगी। चलो भाई चलते हैं फटाफट घर पर। मोरिया मोरिया आ गई मूर्ति। क्या वो वहां पर हमारी सबसे छोटा साइज ही यही था? हाँ अम्मा जी कह रही बड़ी क्यों लेकर आए, कहीं पर एक कमरे में, मंदिर वाले कमरे में रख दो, कमरा बंद कर दो। हाँ तो अभी ऐसे फिलहाल जस्ट अभी भी आकर बैठे हैं घर पर, और भाई काफ़ी ज़्यादा थक गए आज तो, सुबह से भागदौड़ मच रही है। बट भाई जितनी भी भागदौड़ हो रही है ना, एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा हो रही है। कुछ भी कहो भाई, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। और बाकी थोड़ा बहुत अब सज भी गया है, जितना सजा हम पर उतना हमने सजा दिया, और बाकी देखेंगे भाई जो आइडिया मिलेगा वो करते चलेंगे धीरे धीरे। आज का ही थोड़ी है, 9 दिन है भाई, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है। तो गाइस कुछ ये एक हमने सजावट करी है, आपको कैसी लग रही है भाई ये बता देना। यहाँ पर नहीं नहीं छुओ मत, ये देखो रोली वोली सब चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, माला अपनी हेरी गुलाब की, और ये बलून्स वलून्स लगाकर। अम्मा जी मज़े आएंगे आपको, मज़े आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं। और बाकी गणेश जी अपने यहाँ पर रखे मंदिर में। चलो बस स्थापना करनी है, तो चलो करते हैं स्थापना फिलहाल। लवी एक्साइटमेंट हो रही है? नहीं लवी फर्स्ट टाइम देख रही है भाई गणेश जी रखे। ले मुंह खोल दो माँ जी, खोल दो खोल दो। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलो आज चलो आता है गणपति बाबा मोर गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया।
मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, पाँच छ सात आठ गणपति हमारे साथ। अब है टाइम पटका डालने का, कौन सा डालोगे? यहाँ ये वाला हैवी सा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति भाई। एज यूजुअल जैसे गणेश जी के हाथ पर मोदक होता है, व्यक्ति आ गया है, अब चलो हम टीका करते हैं। टाइम है आरती का। रवि मजे आ रहे हैं? तिलक नहीं लगाए, लगा दो। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता देवा। जय गणेश देवा सवारी, जय गणेश देवा। जय गणपति पूरब पश्चिम। अभी आज फिलहाल टी शर्ट उतार दी, मतलब कुर्ता उतार दिया, बनियान में हूँ, और बाकी अभी फिलहाल खा रहे हैं खाना, आरती आरती कर आ गए हैं, दिया जल रहा है भाई, अब खाना खाने बैठे हैं। बाकी एसी चला लिया है 2:45, इतनी टाइम हो गया टी शर्ट, और आज बने खाने में छोले भटूरे, बने नहीं है मतलब बाहर से लाए थे। तो भाई ये रहे मेरी प्लेट, अचार, छोले, हरी मिर्च लाल मिर्च दोनों मिर्च और भटूरे। तो चलो भाई फटाफट खाते हैं, बहुत भूख लग रही है लिटरली। तो अभी आज फिलहाल काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और बाकी अभी तो मैं सो गया था, और अभी उठा हूँ भाई, आज कोचिंग की भी छुट्टी हो गई है, और भाई मिल रहा हूँ 7:30, मतलब 7:40 पर, भाई 7:40 हो रहे हैं अब लिटरली, अभी मैं उठा हूँ, और बाकी अब पूरी बॉडी फ्रेश है। और भाई मैं उठा, पापा जी वगैरह ने काम भी कर दिए, मतलब भाई लाइट लगा दी थोड़ी बहुत, अभी और लाइट रह गई है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो लगाएंगे, वो तो कल लगा देंगे, और बाकी लाइट तो लग गई, और साउंड हमारा जो डेक था ना वो चेक करा, ख़राब निकला तो वो सही होने चला गया, और सही होकर आ गया, लग गया। मतलब इतने सारे काम हो गए एक साथ ही, लगभग 3 या 2-3 घंटे के लिए सोया, इतनी देर में सारे काम कंप्लीट, बस एक कलर्ड रिफ्लेक्टर लगाना रह गया, वो मंदिर में से खोलकर वहाँ पर टांगना है बस, वो एक आधे घंटे का काम है, वो मैं कल करूँगा स्कूल से आकर। तो गाइस ये देखो, मुझे पता है ब्लिंक कर रही होगी, लाइंस चल रही हैं, भाई ये कुछ लुक आ रही है गणेश जी की, ये देखो यहाँ पर ये कपड़ा, और गाइस डैग ये ना डैग की स्पीकर्स देखो भाई, अब एक बार हिडन स्पीकर्स 4 के 4, एक ख़राब हो गया। गणेश जी अपने ये लाइटिंग्स हो गई हैं थोड़ी बहुत जो भी होनी थी, अब वहाँ से या फिर यहाँ से रिफ्लेक्टर बांध दूंगा यहाँ पर, तो कलर्ड रिफ्लेक्टर से और अच्छी लाइटिंग हो जाएगी, है ना। फिलहाल यार आरती आरती से सब हो गई है, और बाकी आज का तो लगभग सारा ही ब्लॉग गणेश जी के उसमें ही निकल गया, और बाकी अभी टाइम है खाने का 9:30 बज रहे हैं भाई, मस्त मैं तो यहाँ पर आकर लेट गया, थक गया था। ये देखो भाई 9:30 बज रहे हैं, मैडम सो रही है खाने के टाइम पर, और भाई आज बनी है अरबी और रोटी, तो चलो भाई खाते हैं फटाफट। तो अभी कहते हैं सीन कुछ ऐसा कि अभी खाना ना खाकर तो फ्री हो गए थे, और भाई आज का ब्लॉग बिना माइक के इसलिए हो रहा है क्योंकि रॉकी भाई साहब है ना, उन्होंने माइक काट दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत आ गई, वो गया है रिपेयर होने, तो वो आएगा कल या परसों आएगा। तो भाई आज का पूरा ब्लॉग लगभग बिना माइक के ही करा है मैंने, तो भाई आज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और बाकी अभी गणेश जी के पट लग चुके हैं, बिकॉज़ भाई 12:30 बज रहे हैं, हंसी खेल लेंगे भाई 12:30 बजे तक,
फटाफट खोलना क्योंकि स्लीपर मैंने लगा दिए। तो भाई ये देखो ऐसे करके हमने कपड़ा रख दिया। और भाई यहाँ पर पता नहीं कि व्लॉग नहीं बन पा रहा अच्छे से, ये लाइन्स आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो बस गाइस यार यही थे कुछ हमारे गणेश जी, आपको कैसे लगे आप कमेंट में जाकर एक बार अपना सजेशन देना और बताना कैसे लगे। और ये भी सजेशन दे सकते हो कि और क्या क्या हम डेकोरेट कर सकते हैं, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं कर दूंगा भाई। तो चलो फिलहाल यार अभी फिलहाल इस ब्लॉग को कर दें एंड, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है, 12:35 हो रहे हैं और अब सोना भी एडिटिंग करके 1:30 बजेगा। तो चलो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।